इस वक्त आप पहुंचे हैं जी पिंड समाऊ के गुरुद्वारा पातशाही नौवीं जिथे कि आप हम सब तो पहले तो दर्शन किए गुरुद्वारा साहब के तो जानते हैं जी इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास बारे पाल सिंह समाऊ जी तो। हाँ जी तुम सू इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास बारे जानना पाओ जी। गुरुद्वारा साहब का इतिहास है जोड़ा जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असि भागा वाले सारे जो इस पवित्र धरती जन्म लिया से नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की चरण छो धरती है इत्थे ते गुरु महाराज जी जदों मालवे की यात्रा के उत्ते आए सी तां इत्थों खीवा कलां तो नाली पिंडा खीवा कलां तो इत्थे आए सी जत्थे समेत। अच्छा जी। इत्थे आके एक खेत दे विच आके उन्होंने अपना घोड़ा बन्निया सीगा। अच्छा जी। घोड़ा बन के आराम करिया सीगा ते गुरुद्वारा साहब ये हुण नवां इमारत बन गई जिहड़ा पुराना सीगा उत्थे जिथे गुरु तेग बहादुर जी ने घोड़ा बन्निया सी बन दे हेठां बन्निया सीगा उह बन मौजूद सीगा। अच्छा जी। वह 92 दे जदों इस गुरुद्वारा साहब की उसारी हुई सी तां उदों जदों पुराने गुरुद्वारा साहब नूं देड़िया गया सीगा तो बन उहदे विच गुम्मट डिगण करके पाट गया सीगा। वह बन इन्ना पुराना सीगा ते हरा भरा रहिंदा सीगा उहदे ते पीलां भी लगदियां वेखियां गईयां सीगियां साडे दसदे ने ते हरा भरा रहिंदा सी ते बहुत ज़्यादा वड्डा वन सीगा। फिर महाराज इत्थे रहे ते इत्थे खेत दे विच एक जिमीदार सी जिहड़ा कम कर रिहा सीगा तां उहनां पासों गुरु महाराज जी ने दुद्ध की बेनती संगत भेजी दुद्ध लैके आओ ते उह जो जिमीदार खेत दे विच कम करदा सी उहने जाके घरे आके जदों कहा भी उत्थे महापुरश आए ने तां दुद्ध दे दो। सो पिंड दीआं औरतों थोड़ी जी आदत होंगी है भी कोई एवं आया होना तो वह माता ने थोड़ा जहा कुछ नैगेटिव लिया। अच्छा जी। ते फिर उस तो बाद दुद्ध तो आ ही गया उत्थे पर महाराज ने पिंड नू एक बहुत वड्डा वर दिता एक वर दिता गया भी इस पिंड दे विचों कदे भी दुद्ध नहीं खत्म होगा। अच्छा ते इस जगह दे उत्ते दुद्ध और पुत्त दा वर दिता गया सी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने और जो भी शरदा नाल इस स्थान दे आ कोई भी अरदास बेनती करता तो इत्थे उह शरदा पूरी हुंदी है। ते सब तो वड्डी खास गल ये है कि ये साडा पिंड है जिहड़ा समाऊ उह इस गल दे विच बहुत महत्ता रखता भी इत्थे जत जातिवाद नाम की कोई चीज़ है नहीं। अच्छा। पूरे पिंड दे विच आपां देख लो जे आपां पिंडां दे विच जाने आ तां चार चार पांच पांच गुरुद्वारा साहब बने हुंदे ने। साडे इस पिंड समाऊ दे विच इक्को ही गुरुद्वारा उह वी पिंडों दो किलो डेढ़ किलोमीटर दूरी ते आ। सारा पिंड बड़ी शरदा दे नाल शरदा भावना दे नाल इत्थे आउंदे ने ते हर दसवीं दे उत्ते बहुत भारी इत्थे जिहड़ी संगत जुड़दी है ते बहुत शरदा भावना दे नाल इस स्थान दे उत्ते आ जिहड़ी सेवा कीती जांदी है तो सारे लोग बिना किसी मतभेद तो बिना किसी जात पात तो इस स्थान दे उत्ते आउंदे ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस स्थान की जिहड़ी हिस्टरी है ते इतिहासिक जगह की इत्थे जो भी शरदा नाल देख कराउंदा शरदा नाल जो भी बंदा इत्थों अपनी इच्छा के अनुसार कोई सुखना सुख के जाता तो महाराज जी इत्थों पूरी हुंदी है जी। हाँ जी। जिस तरह कि आप देखते हैं कि गुरुद्वारा साहब पिंड दे विच जात पात के आधार पर कई कई गुरुद्वारा साहब बनाए जाते हैं पिंडां दे विच। बिल्कुल जी। अजकल आप आम ही देखा है कई पिंडां दे विच पर होना नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं कि साचा साहिब एक है दूजा नहीं कोई। सो परमात्मा कहिंदे इक्को ही है ते इक्को ही गुरु घर होना है जो सानू सारयां नू सौंदा गा ते उसे अग्गे असीं सारे चुकदे परमात्मा अग्गे चंगे लगदे हैं इक्को ही अग्गे। सो बहुत वधिया लग्या जी नवीं पातशाही गुरुद्वारा साहब इस पिंड दे विच जो सारे ही कहिंदे कि साडे असीं अपने आप नू बड़भागी मानदे हैं कि इस गुरुद्वारा साहब दे असीं दर्शन कीते। सो बहुत वधिया लग्या जी।
ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Oh, 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 oh